लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जी, नई नजर डालते हैं हमारी एक खास पेशकश पर। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक नगरी, एक धार्मिक स्थल और श्री कृष्ण की जन्मभूमि। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मथुरा कन्हैया जी की नगरी के बारे में। आगरा से करीब एक घंटे की सड़क यात्रा करने के बाद यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल मथुरा स्थित है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा को पहले और आज भी ब्रजभूमि या अनंत प्रेम की धरती की तरह पूजा जाता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा भारत का एक प्रमुख प्राचीन शहर है, जिसका वर्णन प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने अपने बचपन और जवानी के दिन यहीं पर बिताए थे। गोपियों के साथ उनकी रासलीला हिंदुओं के मन में गड़ा हुआ है और ये मंदिर भजन, कला और चित्रकारी के रूप में अमर है। इसके साथ ही इस पवित्र जगह के अपने कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी हैं। मथुरा भारत में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ पर कई धार्मिक मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं। आज मथुरा हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित कई मंदिर है। यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा को भारतीय संस्कृति और सभ्यता की तरह ही माना जाता है। मथुरा भारत में सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा के चलते पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। होली जैसे उत्सवों में तो विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचते हैं। तो चलिए आज हम भी आपको मथुरा की सैर कराते हैं। मथुरा का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। इस शहर को ब्रजभूमि के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था। मथुरा इतना प्राचीन शहर है कि इसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में और अलेक्जेंड्रियल खगोलशास्त्री टॉलेमी के लेखों में भी मिलता है। ये एक हिंदू धार्मिक स्थल होने के साथ ही बौद्धों और जैनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुराण कथा अनुसार शूरसेन देश की यहाँ राजधानी थी। मथुरा का एक प्राचीन इतिहास और कृष्ण की मातृभूमि और जन्मस्थान भी है, जो यदुवंश में पैदा हुआ था। मथुरा संग्रहालय में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार शहर का सबसे पुराना भारतीय महाकाव्य रामायण में उल्लेख किया गया है। महाकाव्य में इक्ष्वाकु राजकुमार शत्रुघ्ना ने लवणसुरा नामक राक्षस को मार दिया और भूमि का दावा दिया। इसके बाद यह स्थान मधुवन के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि ये मोटे तौर पर जंगली थी। फिर मधुपुरा और बाद में मथुरा। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मथुरा आदि। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधुदानव का नगर कहा गया है तथा यहाँ लवणसुर की राजधानी बताई गई है। इस नगरी को इस प्रसंग में मधुदैत्य द्वारा बसाई बताया गया है। लवणासुर, जिसको शत्रुघ्न ने युद्ध में हराकर मारा था, इसी मधुदानव का पुत्र था। इससे मधुपुरी या मथुरा का रामायण काल में बसाया जाना सूचित होता है। रामायण में इस नगरी की समृद्धि का वर्णन है। इस नगरी को लवणासुर ने भी सजाया सवारा था। दानव, दैत्य, राक्षस आदि जैसे संबोधन विभिन्न काल में अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, कभी जाति या कबीले के लिए, कभी आर अनार संदर्भ में, तो कभी दुष्ट प्रगति के व्यक्तियों के लिए। प्राचीन काल से अब तक इस नगर का अस्तित्व अखंडित रूप से चला आ रहा है। आगरा से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मथुरा और उससे छोटी ही दूरी पर स्थित वृंदावन पौराणिक ब्रजभूमि के जुड़वा शहर हैं। ब्रजभूमि के आसपास स्थित सभी स्थल एवं चिन्ह आपको धार्मिक यात्रा का आनंद देने में सक्षम है। इन जुड़वा शहरों से जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, सांस्कृतिक परंपराएं। यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में भी ईश्वरीय उपस्थिति का एहसास होता है।
मंत्रमुग्ध कर देने वाले मंदिर, बाग बगीचे, गीत संगीत, नृत्य और कला के बीच सामने आते भगवान कृष्ण से जुड़े रूपक पर्यटकों को भक्ति भाव से सराबोर करते हैं। चरकुला नृत्य, रासलीला और लोकगीत संगीत प्रेम और समर्पण का अद्भुत ताना बाना बुनता है। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित रखा ऐतिहासिक खजाना प्राचीन आलिशान दौर को देखने का मौका देता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा हिंदुओं का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कई सारे चमत्कारी मंदिर यहाँ मौजूद हैं। मथुरा में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ आस्था और धर्म का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। दुनिया भर से लोग इस जगह घूमने आते हैं। मथुरा को हिंदुओं, बौद्ध धर्म के लोगों और जैन समुदाय के लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर या कृष्ण का जन्म स्थान यहाँ का सबसे पवित्र मंदिर है। वास्तव में मथुरा की हर आकर्षित करने वाली चीज किसी न किसी तरह भगवान कृष्ण से जुड़ी है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा का एक नया मंदिर है जिसका निर्माण लगभग 1300 साल पहले भगवान कृष्ण के एक भक्त ने करवाया था। राधा कुंड मथुरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। राधा कुंड का इतिहास राधा और कृष्ण के दिनों का है जो उनके प्रेम के बारे में बताता है। कंस किला मथुरा में स्थित एक बहुत प्राचीन किला है जो भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। गोवर्धन हिल मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन के पास स्थित है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। मथुरा संग्रहालय मथुरा शहर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इस संग्रहालय का निर्माण वर्ष 1874 में किया गया जो अपनी अनूठी वास्तुकला और महत्वपूर्ण कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। रंगजी मंदिर वृंदावन में मथुरा मार्ग पर स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री गोदा को समर्पित है जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार है। उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पुराने समय में कई घाट हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा में आज कुल 25 घाट स्थित हैं। भूतेश्वर महादेव मंदिर रंगेश्वर महादेव मंदिर की तरह भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर भारत का सबसे पुराना मंदिर है। मथुरा 84 जैन मंदिर है। यहाँ मथुरा के कुछ ऐसे जैन मंदिरों में से एक है जो जैन संस्कृति और आस्था पर केंद्रित है। जामा मस्जिद को नाविर खान ने बनवाया था जो औरंगजेब के शासन में गवर्नर हुआ करता था। ये मस्जिद जन्मभूमि मंदिर के पास ही स्थित है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच के आपसी सौहार्द को दर्शाता है। मथुरा अपने मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों के लिए जाना जाता है। बता दें कि पेड़े यहाँ की खास चीज है। इसके अलावा मथुरा में आपको खाने में कचौरी, जलेबी, पानीपुरी, समोसा, चाट, आलू टिक्की और लस्सी का स्वाद जरूर लेना चाहिए। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार नई अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।